हेलो चिल्ड्रंस, माई सेल्फ पुष्पा कांडपाल फ्रॉम पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंट्रो कॉलेज नानकमता क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट इज वर्ड इज कमिंग इन अ सोल्जर्स सिपाही। We heard them singing a carol. Carol जो सिपाही गाना गाते हैं उसको बोलते हैं carol. Carol एक प्रकार का गाना होता है, sing song होता है। And singing it quite beautifully. जो सिपाही होते हैं वो एक सुंदर सा carol गाना carol गा रहे होते हैं जो बहुत अच्छा होता है, बहुत सुनने में बहुत sweet था, बहुत मीठा था। It was still next silent night. जो carol था उसका जो पंक्तियाँ थी carol की वो थी still next silent night. Our boys gave with them a rousing chorus of wild shepherds most. जो राइटर है वो बता रहा है कि जो हमारे लड़के हैं वो भी एक प्रकार का गाना गाते हैं जिसकी जो पंक्तियाँ थी वो थी wild shepherds most. He exchanged carols for wild and then we all fell silent. फिर जो राइटर है वो बता रहा है कि जो सोल्जर्स होते हैं सोल्जर और जो हमारे बॉयज थे वो दोनों अपने अपने गाने को एक्सचेंज कर लेते हैं और साइलेंट हो थोड़ी देर में वो थोड़े सभी साइलेंट हो जाते हैं। वी हैव आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल अ टाइम आई विल रिजर्व एज लॉन्ग एज आई लिव। वो कहता है कि मुझे लंबे समय तक ऐसा लगा जब उनका मैंने गाना सुना और उनका जो अपनी परेशान अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को गाने सुना के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मुझे बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. जो राइटर है वो अपनी पत्नी का वो उसकी जो पत्नी होती है उसने लेटर में लिखा होता है कि डियरेस्ट कौनी प्यारे कौनी जो ये समय है अगली क्रिसमस तक ये युद्ध तो ख़त्म हो जाएगा, होने को तो ये युद्ध भयानक होगा लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों फिर दोबारा मिलेंगे। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मी। वो कहते हैं कि आई नो, मैं जानती हूँ कि जो आर्मी के आर्मी में जो भी व्यक्ति होता है उसके साथ क्या क्या घटना घटती है और किस तरह का और जीवन जीते हैं। लॉन्ग फॉर पीस वी शैल बी टुगेदर अगेन सून आई एम श्योर। वो कहते हैं कि निश्चित तौर पर हम दोबारा मिलेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू हिज एनवेलप। जो राइटर है वो बताता है कि मैंने जो लेटर था उसको फोल्ड किया और उसको लिफाफे के अंदर रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जागा रहा, मुझे नींद नहीं आई। बाय मॉर्निंग आई नू व्हाट आई हैड टू डू। अगली सुबह मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है ये मैं जानता था। आई ड्रोव इनटू ब्रिजपोर्ट। मैं ब्रिजपोर्ट में गया, जो लेटर में एड्रेस लिखा था ना उस एड्रेस पर वो जाता है जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। वो जो ब्रिजपोर्ट जो एक स्थान था वो उसके घर से तो कुछ मीलों की दूरी पर था। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर पापा बीचेस वॉज। मैंने एक बच्चे से वहाँ पर पूछा, कहता है इस एड्रेस के बारे में, जो कि अपने डॉगी के साथ घूम रहा था, जो जहाँ पर वो डॉगी खड़ा था, जहाँ पर वो बॉय खड़ा था उस जगह का नाम था कॉपर बीच हाउस। मैं हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेड। वो कहता है कि जो बॉय लड़का था उससे पूछता था कि हाउस नंबर 12 कहाँ पर है करके ब्रिजपोर्ट में, तो जो जाता है वो हाउस नंबर 12 पे तो वहाँ पर जो हाउस होता है जल गया होता है, बर्न आउट जल गया होता है। द रूफ गैपिंग जो उसकी छत होती है उसमें छेद हो गए होते हैं। द विंडो बॉर्डर ओडेड अप और जो उसकी खिड़की होती है वो बिल्कुल बेकार सी हो गई थी, खराब हो गई थी, जल गई होती ना, आग लग गई होती है उसमें तो थोड़ा राख जैसी बन जाती है। आई नो वे एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क। मैं वो कहता है कि मैंने जो ब्रिजपोर्ट में दूसरा घर था नेक्स्ट का डोर थी उस पर खटखटाया और उनसे पूछा इफ एनीवन न्यू द व्हेयरअबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन। की पूछता है कि क्या कोई मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानते हो। ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स ही न्यू हर वेल अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मिडल मडल हेडेड बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी वाजंट सी। तो वो कहता है जो एक ओल्ड मैन आता है उस डोर से दरवाजे के अंदर से एक ओल्ड मैन निकलता है तो वो कहता है कि हाँ हम मिसेस मैकपर्सन को
जानते हैं, वो बहुत अच्छी औरत थी और मुझसे बात भी करती थी। उन मतलब वो बहुत हमेशा एक अच्छे इंसान, हम सबकी के हेल्प करती थी और सभी के साथ अच्छे व्यवहार से रहती थी।